तो सेल वॉल के बेसिकली थ्री लेयर्स होते हैं विच आर नोन एज प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। एंड द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज़ फॉर्म, इट इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल। अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट AFNS टेस्ट प्रिपरेशन MCQs पार्ट नंबर 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First MCQs is, who coined the term cell? So as you people know that all organisms are made up of cell, and the term cell was first time coined by Robert Hooke in the year 1665. यानी जो सेल का टर्म है इसे फॉर द फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉइन किया था। सेम लाइक दैट अ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट न्यूक्लियस। So the nucleus term was coined by Robert Brown in the year 1831. अगर हम स्क्लीडन और शवान की बात करें, so they presented a theory about cell which is known as cell theory. And according to that theory, cell is the basic structural and functional unit of life in which all the metabolic activities take place. Question number 2 is, highest form of learning is? लर्निंग का सबसे हाईएस्ट फॉर्म कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग बेसिकली बायोलॉजी में इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर ने किया क्या, एक पिंजरे में कुछ चिंपैंजीज थे, ठीक है, उनको केले जो है वो हवा में लटकाएं और इनको एक स्टिक दिया। अब इस केलों को देख के जो है वो चिंपैंजी जो है वो अपने डिसीजन को बना रहे थे कि हम इस मतलब स्टिक को उठाएंगे, किसी को उन्हें शिकायत तो नहीं ना चिंपैंजी को कि आप स्टिक उठाओगे इससे बनाना इसको मारोगे तो वो नीचे आएंगे। तो पहले चिंपैंजी ने स्टिक का यूज़ किया लेकिन उसकी वजह से वो केले नहीं गिर पाए। फिर कुछ देर बाद वोल्फगैंग कोहलर ने किया क्या, उनको जो चेयर्स रख दिए तो चिंपैंजी जो है वो चेयर पर खड़े हुए और बनाना तोड़ने लगे। तो इस वजह से हम बायोलॉजी में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग जो है वो हम कहते हैं कि वो इनसाइट लर्निंग है। एमसीक्यू नंबर 2 इज, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन इज ब्लैंक। सो इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ एनिमल सेल, वाइल इन प्लांट सेल इट इज सिचुएटेड बिलो सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने एक मॉडल पढ़ा है जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बना है, और इस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो 60 से लेके 80% तक है, और इसमें बात मोडिफाइड प्रोटीन भी है जिस तरह ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड। एमसीक्यू नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉन्स्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या, अगर मैं कहूँ कि ये एक कम्यूनिटी है और ये दूसरी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में जो बायोटिक फैक्टर्स है और एबायोटिक फैक्टर्स है, और इस कम्युनिटी में जो बायोटिक फैक्टर्स है और एबायोटिक फैक्टर्स है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है इसी को हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। एंड द मोस्ट कॉमन एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक मीन जो नॉन लिविंग हो और बायोटिक मीन जो लिविंग हो, सो द मोस्ट कॉमन एबायोटिक फैक्टर विच इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड इज एयर। तमाम इकोसिस्टम में एयर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स के मुताबिक के ग्रेविटी बताई जा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इकोसिस्टम में ग्रेविटी हो, और ग्रेविटी को हम एबायोटिक फैक्टर कंसिडर भी नहीं करते, एयर को करते हैं, और एयर जो है हर इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे एयर इज द मोस्ट कॉमन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एमसीक्यू नंबर 5 इज, द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड इज। सो सेल वॉल के बेसिकली थ्री लेयर्स होते हैं विच आर नोन एज प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। एंड द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड, इट इज नोन एज प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद स्टूडेंट्स मिडल लेमेला के फॉर्मेशन, और प्राइमरी वॉल के इन साइड पर जो लेयर प्रेजेंट होता है वो होता है सेकेंडरी वॉल। मिडल लेमेला अगर मैं कहूँ ये एक प्राइमरी वॉल है, इसके अंदर सेकेंडरी वॉल होता है, ठीक है, सो यहाँ पर मिडल लेमेला होता है और यहाँ पर दूसरा प्राइमरी वॉल होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम इसको मिडल लेमेला कहते हैं।
MCQs number 6 says, conversion of ammonia or ammonium ions into nitrates during nitrogen cycles occur due to. So students, nitrogen cycle hai kya? Atmospheric nitrogen yani N ka hamare bacteria ki wajah se fixed hona, animals aur plant ka is nitrogen ka use karna, phir unhi animals aur plant ka dead hona, decomposers ke zariye decompose hona, और वापस इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, ये नाइट्रोजन साइकिल है. एंड अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स बाय अ बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज नाइट्रोबैक्टर. अगर हम नाइट्राइट्स की फॉर्मूला की बात करें तो ये NO2- माइनस फॉर्म में है. सेम लाइक दैट नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट दिस अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट इज NO3- माइनस. MCQ number 7 is, cellulose is the major component of. So cellulose is the major component of primary wall. Primary wall sirf cellulose se milkar bana nahi hota, balki primary wall mein lignin aur pectate materials bhi hote hain. But the major component is cellulose. MCQ number 8 is, hummingbird is an example of. So students, yahan par basically baat ki ja rahi hai thermoregulation ki. अब थर्मोरेगुलेशन है क्या? थर्मो मीन टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन उसका कंट्रोल. जितने भी बर्ड्स हैं इस दुनिया में, ये हमारे पास हेट्रोथर्म्स है. हेट्रोथर्म्स मीन ऐसे एनिमल्स जो अपने टेम्परेचर को यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, तो ये हेट्रोथर्म्स कहलाते हैं. अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें तो एंडोथर्म्स को हम दूसरे वर्ड में वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम्प्लीटली मेंटेन कर सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते लाइक ह्यूमंस. एक्टोथर्म्स की बात करें तो ऐसे एनिमल्स, इसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, जो कम्प्लीटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर टेम्परेचर के लिए डिपेंड करे. एमसीक्यूज नंबर 9 इज, नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इज ब्लैंक. सो स्टूडेंट, वर्टिब्राए हमारे पास टोटल कितने हैं? ये 33 है. फिर हमने इसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और एक हमारे पास यहाँ पर होता है टांगों में, नहीं सॉरी, लंबर के नीचे होता है, ठीक है. सो अगर हम इसमें सर्विकल वर्टिब्रा की बात करें तो वो हमारे पास टोटल है 7. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इस तरह अगर हम जो हमारे पास थोरेसिक हैं, तो थोरेसिक इसमें हमारे पास टोटल 12 होते हैं. अगर हम लंबर की बात करें तो लंबर हमारे पास 5 है, और सेक्रल जिस तरह मैंने आपको कहा लंबर के नीचे होते हैं, वो भी हमारे पास टोटल 5 होते हैं. एमसीक्यूज नंबर 10 इज, जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल आर एग्जांपल ऑफ. सो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा स्कल है, और अगर आप इसको देखें हमारे पास इसमें जॉइंट्स प्रेजेंट हैं. And joints of skull are known as fibrous joints. यानी ये जो joints है skull के, ये fibrous joints की क्या है? Example है. MCQ number 11 is, blank is a nervous disorder characterized by involuntary tremors, diminished motor power and rigidity. So here basically if we talk about Parkinson's disease. Parkinson's disease में होता क्या है? हमारे जो brain के neuron होते हैं, students, ये damage हो जाते हैं. यानी जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स है और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स है, ये डैमेज हो जाते हैं. तो उसकी वजह से होता क्या है? एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, शेकिंग होती है, स्टिफनेस होती है. तो इसी को हम नाम देते हैं पार्किंसन डिजीज का, और ये इस एमसीक्यूज का स्टेटमेंट है. एमसीक्यूज नंबर 12 इज, इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर्स एट. तो स्टूडेंट्स, मेल से आते हैं स्पर्म और फीमेल से आते हैं एक, इन दोनों की फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और इसके रिजल्ट में हमारे पास 2N जायगोट बनता है. और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में, जिसे हम फलोफियन ट्यूब भी कहते हैं. यूट्रस में फिर स्टूडेंट, जब ये जायगोट बन जाए ना स्टूडेंट्स, तो इसकी इम्प्लांटेशन किधर होती है? वो यूट्रस यानी बच्चे दाने में होती है. एमसीक्यूज नंबर 13 इज, द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर CO2 इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर इज. तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनिल है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है. ये हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल है, और इसका हमारे पास जो स्ट्रोमा पार्ट है, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है,
और इससे शुगर प्रोड्यूस की जाती है। एक्सक्यूज नंबर 14 इज ब्लैंक सपोर्टेड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या है? दैट एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द सुप्रीम पावर नोन एज गॉड। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इसे गॉड यानी अल्लाह ताला ने बनाया है और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे लीनियस। नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। तो हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये हमारे पास बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मीन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन के चैन प्रेजेंट है और ये करता क्या है, हमारे यूरिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स AFNS टेस्ट प्रिपरेशन MCQs का ये था पार्ट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको आज के MCQs की समझ आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।